गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का प्रथम पाठ जो है पहला पाठ है उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, यानी पुनरावर्तन पुनर्निरीक्षण करवा रहा हूँ। अब जैसे देखिए इसमें दिया गया है अकारण बोले शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था। अब जैसे मैं बोल करके बता रहा हूँ फिर से। अब यहाँ पे दिया गया ए सह अस्थि अर्थात यह कौन है, ए सह वह होता है पुलिंग संज्ञा शब्द के लिए जो लिखते हैं ए सह कह अस्थि यह कौन है। अब है इसमें ए सह बालक अस्थि अर्थात यह लड़का है। ए सह बालक हंसती इसका मतलब हो जाएगा यह लड़का हंसता है। अब आइए दिया गया सह कह अस्थि सह कह अस्थि यानी वह कह अस्थि क्या है। अब देखिए सह वृक्ष अस्थि वह पेड़ है। अब दिया गया ए तो गौ अस्त सह का दिया गया द्विवचन सह सॉरी ए सह का द्विवचन है ए तो गौ अस्त मतलब ये दोनों कौन है। ए तो द्विवचन में होता है ये दोनों कौन है अर्थात। अब देखिए ए तो बालको अस्त यानी ये दोनों लड़के हैं। ए तो बालको हंसत ये दोनों लड़के हंसते हैं। अब है कौ कौ अस्त यानी वे दोनों सह का अर्थ होता है वह और कौ का अर्थ हो गया वे दोनों। वे दोनों क्या है यानी वे दो क्या है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तौ वृक्षो अस्त यानी वे दो पेड़ हैं। अब देखिए एते संति मतलब ये सब कौन है तो एते बालका संति यानी ये सब लड़के हैं। अब एते बालका हसंति मतलब ये सब लड़के हंसते हैं। अब ते के संति मतलब वे सब क्या है तो ते वृक्षा संति अर्थात वे सब पेड़ हैं। अब आइए इसमें दिया गया है इन वाक्यों को भी देखें। देखिए जैसे अयम अश्व धावती यह घोड़ा दौड़ता है अयम का द्विवचन यो अश्व धावत ये दो घोड़े दौड़ते हैं। इन्हें अश्व धावती मतलब ये सब घोड़े दौड़ते हैं। ये सब गज चलती यह हाथी चलता है। ये तो गज चलता अर्थात ये दो हाथी चलते हैं और ये गजा चलती मतलब ये सब हाथी चलते हैं। अब देखिए सह गायक गायती वह गायक गाता है। अब तो गायको गायक मतलब वे दोनों गायक गाते हैं। अब ते गायका गायंती मतलब वे सब गायक गाते हैं। अब आइए फिर कह नृत्यति मतलब कौन नाचता है या नाचती है। कह नृत्यति नर्तक यानी नाचता है या नाचती है। कौ नृत्यतः कौ नृत्यतः मतलब क्या आप जैसे देखिए कौन दो नाचते हैं तो नर्तक तो नृत्यता मतलब दो नर्तक नाचते हैं। अब के नृत्यंती मतलब कौन सब नाचते हैं तो नर्तक नृत्यंती बहुत सारे नर्तक जो है नाचते हैं नाचते हैं। अब देखिए पढ़े और समझे यहाँ पे कारक के बारे में दिया गया है। क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक है। जो क्रिया से संबंध रखते हैं संज्ञा या सर्वनाम वो कारक होते हैं अर्थात जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे देखिए बालक पुस्तकम पठती इसमें पठती क्रिया से संबंध रखने दिया गया इसमें पठती क्रिया से संबंध रखने से बालक एवं पुस्तक कारक है यानी बालक जो है उस क्रिया से संबंध रखता है एवं पुस्तक कारक दिया गया है। संबंध रखने से बालक जो है एवं पुस्तक ये दोनों कारक है। इससे पहले भी आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था अभी मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूँ कि कारक छह होते हैं। देखिए दिया गया कर्ता कर्म करण संप्रदान अवादान और अधिकरण। अब आइए विभक्ति विभक्ति क्या है कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। जैसे बालक चंद्रम पश्यति यानी लड़का चांद को देखता है क्या मूल सब चंद्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का बोधक द्वितीया विभक्ति अम दिया गया है चंद्र अर्थात जुड़कर चंद्र चंद्रम पद बना है। विभक्तियां सात होते हैं। अब देखिए प्रथमा से सप्तमी तक वचन वचन आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है। संस्कृत भाषा में वचन तीन होते हैं वो एक वचन द्विवचन और फिर बहुवचन ये तीनों वचन है संस्कृत भाषा में। वैसे हिंदी भाषा में यदि आपसे मैं पूछूं कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं तब बताना आपको हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। वैसे संस्कृत भाषा में तब आपको दो नहीं कहना है संस्कृत भाषा में वचन तीन हो जाते हैं एक वचन द्विवचन और फिर बहुवचन। जिस तरह से लिंग लिंग जो है हिंदी में वह दो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
लेकिन संस्कृत में तीन हो जाते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। अब आइए क्या कहे, कर्ता कारक क्रिया को करने वाली संज्ञा का सर्वनाम कर्ता कारक है। इस कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बालक हंसती, हंसती क्रिया को करने वाला बालक करता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति है। प्रथम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष। युष्मन और अस्मन सर्वनामों के अधिक सभी संज्ञाएं व सर्वनाम प्रथम पुरुष है। जैसे बालक हंसती सह चलती, इसमें जो है बालक सह ये सब प्रथम पुरुष है। अब यहाँ पे आपको अभ्यास में मैं बता रहा हूँ, देखिए संस्कृत में रूपांतर करें, संस्कृत में इसका अर्थ बताना है। जैसे गाँव, गाँव को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ग्राम, वैसे ही अमोर मरीपुरा दो कान कर लो दादाजी यानी पितामह, दो चोर चौड़ो, देखिए एक वचन में चौड़ा लेकिन द्विवचन चौड़ो, अनेक बंदर बांधड़ा, दो हाथ हस्तो, अनेक शिक्षक अध्यापका। अब आइए यहाँ पे फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे, इसमें भी देखिए अब हिंदी में अर्थ बताना है। कृष्ण का अगर आ की मात्रा और विसर्ग दोनों साथ में आया है तब जो है वह बहुवचन शब्द हो जाएगा। अगर एक वचन शब्द उसी का लिखते तो केवल विसर्ग का प्रयोग करेंगे अंत में, और अगर बहु की मात्रा लगा देते तब वह द्विवचन होता है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग करते तब वह बहुवचन होता है। कृष्ण का यानी अनेक किसान, वैसे अध्यापकों यानी दो शिक्षक अध्यापकों, देखिए अध्यापक यानी एक शिक्षक, अध्यापक दो शिक्षक, अध्यापक यानी अनेक शिक्षक। अब यहाँ पे अध्यापकों का इसलिए दो शिक्षक। अब देखिए आप नहीं कहो, यहाँ पे विषय का प्रयोग किया गया है, एक वचन है इसलिए दुकानदार, सुख है यानी तोता, यह एक वचन है मंडू का, यह बहुवचन हो गया अनेक मेढक, वैसे कबूतर यानी कबूतर एक वचन। अब आइए दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया उससे आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है, जैसे ए सह और फिर यहाँ पे खाली स्थान है धावती, अश्व, अश्व से ए सह एक वचन के लिए होता है, तो एक वचन में अश्व का क्या हो जाएगा, अश्व लिखा के ए सह अश्व धावती, यह घोड़ा दौड़ता है। ए तो द्विवचन शब्द है, इसलिए इसके साथ जो है द्विवचन रूप सिंह, सिंह का क्या हो जाएगा, सिंह सिंह गर्जत, ते जो हो गया बहुवचन शब्द है, इसलिए छात्र का छात्रा, इतिहास पठन्ते, सः मयूरः नृत्यति, एते मीनाः तरन्ति, कोकिलाः गायन्ति। अब आइए निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुरू करें। एषः एक वचन है, इसलिए ति का प्रयोग यानी धातु उत्पत्ति लगाएंगे, नमति, एषः छात्रः नमति, मयूरः बहुवचन है इसलिए नृत्यन्ति, कः एक वचन हुआ तो उसमें पश्यति, वैसे ये ते वानरा धावन्ति। अब एतौ खगौ अस्ति को चेंज करने का अस्त। अब आइए निम्नलिखित वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें, जैसे एक वचन है सह बालक गच्छति, सह बालक गच्छति, इसी का द्विवचन बनाएंगे, ततौ बालकौ गच्छतः, बहुवचन में ते बालकाः गच्छन्ति, वैसे सह कृषकः हलति, ततौ कृषकौ हलतः, ते कृषकाः हलन्ति, छात्रः नमति, इसी का द्विवचन करेंगे, छात्रौ नमतः, और इसके बाद छात्रा नमन्ति। अब बालक क्रीडति, तो बालको क्रीडत, बालका क्रीडन्ति बहुवचन में। अब देखिए शिक्षक वदति, इसका द्विवचन शिक्षको वदत, और बहुवचन में शिक्षका वदन्ति। अब एषः मण्डूकः कूर्दति, तो इसका द्विवचन एतो मण्डूकौ कूर्दत, वैसे बहुवचन में एते मण्डूकाः कूर्दन्ति। अब निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें, यहाँ पे संस्कृत में वाक्य दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, अयम बालक प्रणति, यह लड़का उठता है, वैसे ते शतका सन्ति, वे सब खरगोश हैं। अब देखिए सह दिवह धावति, वह हरी लौटता है, लड़ा गच्छन्ति, मतलब अनेक व्यक्ति जाते हैं, एषः बालकः गणेशं नमति, यह लड़का गणेश को प्रणाम करता है। ए तो ये हो गया दो के लिए, ये तो छात्र जलम पीबत, अर्थात दो, ये दो छात्र जल पीते हैं। अब संस्कृत में बात करें, ये दो छात्र हैं, ये दो छात्र हैं, ये तो छात्रो असत अपन हाँ असत है, यह हाथी है, ये सब गज हस्ते, अब वे लड़के दौड़ते नहीं है, ते बालका न धावंती, रमेश नाच रहा है, रमेश नृत्यति, वे अध्यापक जा रहे हैं, वे अध्यापक, तो देखिए यहाँ पे जब बहुवचन में है तो उसमें एक वचन होगा सह द्विवचन में, तो अद्विवचन सॉरी बहुवचन ते, तो ते अध्यापका गच्छन्ते, मेघ गरजते हैं,
मेघा गर्जन एक। तो अभी मैंने आपको यह प्रथम पाठ पहला पाठ जो है आपके संस्कृत के पुस्तक में औकार पुलिंग शब्द वो मैंने आपको फिर से जो है वो इसका जो है पुनर्निरीक्षण करवाया मतलब फिर से रिवीजन करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा देख करके पूरी अच्छी तरह से जो है इसे समझ लिए होंगे। ओके थैंक यू।